आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लॉग एंड एंटी लॉग। आप लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल, क्योंकि एग्जाम में लॉग टेबल तो गिवन नहीं होता है आपको, और आपको लॉग एंड एंटी लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में, उनको कैलकुलेट करना होता है। तो आप बिना लॉग टेबल को यूज किए कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप देखिए, लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और यहाँ पे लॉग के दो बेस होता है, एक ई बेस होता है लॉग और एक होता है लॉग 10 बेस। बेस का मतलब है जिसके रेस्पेक्ट में अपन लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं, और जो वैल्यूज हमको गिवन होती है वो 10 बेस में फाइंड करनी होती है। लॉग ई बेस होता है, इसको एक और टर्म लिखा जाता है, इसके लिए ln लिखा जाता है। तो जब भी कभी आपको ln लिखा हुआ मिले उसका मतलब लॉग ई बेस में, और जब भी आपको लॉग लिखा हुआ मिले उसका मतलब है बेटा जी वो 10 बेस। और रिलेशन क्या होगा ln और इसके बीच में? तो फर्स्ट रिलेशन अगर मैं बात करूं तो ln इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 बेस, ठीक है? यानी 2.303 टाइम्स होगा ln किसका? log 10 बेस। अब कुछ log फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं। अगर आपका log a मल्टीप्लाई b में हो, कोई दो डिजिट अगर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है और उसका लॉग फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होता है? लॉग a प्लस लॉग b। नेक्स्ट, अगर कोई भी दो डिजिट आपकी डिवाइड में हो, a डिवाइड बाय b, तो आपको क्या करना होता है? लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है? आपको लॉग a माइनस लॉग b लिखना होगा। फोर्थ वन इज, आपके पास अगर लॉग ए टू पावर कोई भी एन टर्म है तो पावर हमेशा आगे आ जाता है बेटा, ठीक है? पावर हमेशा आगे आता है, विद साइन आगे आता है। विद साइन अगर हम लोग समझे तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए टू पावर माइनस एन अगर है आपके पास तो माइनस एन आपका आगे आएगा, और यहां क्या रहेगा आपके पास? लॉग ए, ठीक है? एंड नेक्स्ट टर्म इज, अगर आपको ln e फाइंड करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log e बेस e, और जब बेस और वैल्यू सिमिलर आता है ना तो उसका log कितना आता है बेटा? हमेशा 1। सेवंथ अगर हम लोग बात करें तो log 10 बेस में अगर हम लोग 10 फाइंड कर रहे हैं तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा आपके पास? 1। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो लॉग की वैल्यू फाइंड करने में हमारी हेल्प करने वाले, ठीक है? ये कुछ बेसिक टर्म है जो लॉग की वैल्यू फाइंड करने में हमारी हेल्प करने वाले, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी दो वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई में होंगी, ठीक है, तो अगर उनका लॉग लेना है तो आप क्या करोगे? उनको एड करोगे, ठीक है? अगर आपका डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे। पावर अगर एन होगी, पावर आगे आ जाएगी आपकी, तो एन लॉग ए हो जाएगा। अगर माइनस पावर होगी तो माइनस पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस एन लॉग ए। और जब भी सिमिलर बेस और वैल्यू सेम होती है जिसका लॉग फाइंड करना है तो हमेशा आंसर कितना आने वाला है आपका? 1 आने वाला, ठीक है? ओके जी, अब सुनिएगा आगे। हमको कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी होती है बेटा लॉग। अब हम लोग जितनी भी वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं वो सारे लॉग टर्म में फाइंड करने वाले, 10 बेस होगा उनका। तो लॉग 1 का वैल्यू आपका होता है 0, लॉग 2 का वैल्यू आपका होता है 0.30, लॉग 3 का जो वैल्यू होगा आपका वो आपका होने वाला है 0.48, लॉग 4 का वैल्यू मैं आपको फाइंड करके बताऊं, लॉग 4 का वैल्यू मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, लॉग 5 का वैल्यू आपका होगा 0.70, लॉग 6 जो होगा उसका वैल्यू आपके पास आएगा 0.78। आप फाइंड कर सकते हो लॉग 6, ठीक है? मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। लॉग 7 का वैल्यू आपके पास आएगा 0.84, एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट लॉग 8। लॉग 9 भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और लॉग 10 का वैल्यू आपका कितना होगा? अभी मैंने समझाया 10 बेस में फाइंड कर रहे हो तो जिसके रेस्पेक्ट में जिस वैल्यू का लॉग लेना है अगर वो सिमिलर आ जाए तो आंसर कितना आने वाला है आपका? 1 आ।
अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग फोर, तो हम लोग लॉग फोर को क्या लिख सकते हैं, लॉग फोर टू टू पावर टू, तो ये आपका ये वाला रिलेशन हो गया ए टू पावर एन, पावर कहाँ जाएगी आपकी आगे, क्या बनेगा टू लॉग, ठीक है, तो टू इंटू लॉग टू कितना है आपका 0.30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग फोर 0.6, तो लॉग फोर का वैल्यू कितना आ गया 0.6। फर्स्ट एग्जांपल, अगर आपको लॉग सिक्स का वैल्यू फाइंड करना है, देखो तो लॉग सिक्स को आप लोग लिख सकते हो टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, और यह आपका मल्टीप्लाई में है तो ये ए इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या लिखोगे इसको लॉग ए प्लस बी, तो लॉग टू प्लस लॉग थ्री, लॉग टू का वैल्यू 0.30, लॉग थ्री का वैल्यू 0.48, तो लॉग सिक्स का वैल्यू कितना आ गया 0.7। अगर इसके लॉग थ्री के एग्जैक्ट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं ना, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.4771 आता है, ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, बट अपन अप्रोक्सीमेशन से इसको कितना लिख देते हैं 0.48 लिख देते हैं। अगर आपको लॉग एट फाइंड करना है, देखिए हम लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करना है, वो हमारा वैल्यू है लॉग एट, तो लॉग एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं टू टू पावर थ्री, तो थ्री आपका पावर आगे आ जाएगा, यहां क्या रहेगा लॉग टू, तो थ्री लॉग टू का वैल्यू 0.30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग एट 0.9, यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग नाइन थ्री स्क्वायर, और ये कितना आएगा आपके पास 0.9। जब आप थ्री का वैल्यू 0.48 लेंगे बेटा तो ये 0.96 आएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है 4771 होती है। चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल इज वैल्यू ऑफ लॉग नाइन इज इक्वल्स टू लॉग थ्री स्क्वायर टू लॉग थ्री, और लॉग थ्री का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे बेटा 0.477, और ये वैल्यू आपका कितना आने वाला है 2459, यानी हम लोग वैल्यू ले रहे हैं कितना 0.9। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ वैल्यूज के डिफरेंट वैल्यूज के लोग फाइंड करते हैं, ये तो सिंपल था, ये तो हमको पता भी है और हमको ध्यान भी रख सकते हैं, ये तो हम लोग हमको कुछ डिफरेंट वैल्यूज का लोग फाइंड करके सिखाता हूं मैं आपको। देख मैंने बोला लॉग 4.62 है आपके पास एग्जांपल, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, जब भी इस तरीके की कोई डिजिट लिखी हुई हो तो आपको चेक करना है ये वैल्यू किसके बीच में आती है, 4.62 किसके बीच में आएगा 4 और 5 के बीच में, किसके बीच में आएगा 4 और 5 के बीच में, तो आप लिखिए लॉग 4 और लॉग 5, तो लॉग 4 का वैल्यू कितना 0.30, लॉग 5 का वैल्यू कितना log 4 का वैल्यू 0.60, 2 का स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60, और यहां log 5 का वैल्यू कितना 0.70, ठीक है, डिफरेंस फाइंड कीजिए 0.10, ओके। अब बेटा जो डेसिमल के बाद आपके पास डिजिट है ना, कितना है 0.62, इसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस आया आपके पास इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डेसिमल के बाद आपके पास नंबर है, ठीक है, कितना आएगा 0.062 आपके पास ये रहेगा वैल्यू 0.062। अब देखो 4 का वैल्यू आपको पता है, लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60 प्लस 0.62 का कितना आ गया आपके पास 0.062, ऐड कर दीजिए What is your answer? 0.662. देखिए बड़ा सिंपल है, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मैंने बोला log 5.0
फोर एट, ठीक है। अब देखिए लोग फाइव का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, 0.70, यहां लिखा हुआ भी है लोग फाइव का वैल्यू 0.70 प्लस, फाइंड किसका करना है 0.48। बेटा एंटायर डिजिट किसके बीच में, ये पूरा वैल्यू किसके बीच में, फाइव और सिक्स के बीच में, तो लोग फाइव का वैल्यू कितना 0.70 एंड लोग सिक्स का वैल्यू कितना मैंने बताया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोग सिक्स 0.7, ठीक है। डिफरेंस लीजिए 0.08 एंड मल्टीप्लाई दिस डिफरेंस बाय 0.48, ठीक है। और जो यहां डिफरेंस आएगा वैल्यू कितना आएगा 4, ठीक है 0.0384, तो 0.0384 को यहां पे ऐड कर दीजिए, व्हाट इज योर आंसर 0.7384। ये अपना आंसर अप्रोक्सीमेट करेक्ट है बेटा, आप कोई से अभी आंसर फाइंड कीजिए, ये आपका आंसर करेक्ट आने वाला है, ठीक है। 5.48 आप लिख सकते हो, कुछ नहीं करना, एंटायर डिजिट चेक करनी है, 5 और 6 के बीच में आएगा, उन दोनों का लॉग वैल्यू लेके डिफरेंस निकालना है, उस डिफरेंस को जो डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि सिंगल डिजिट का तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगल डिजिट, इसका तो लोग अपने को पता है, ये जो सिंगल डिजिट लिखा हुआ है इसका लोग तो हम लोगों को पता है, ये 5.48 है, यहाँ पे ये 5 है तो 5 का तो हमको पता है 0.70 होगा, इसमें हमने इसका वैल्यू फाइंड करके ऐड कर दिया इसको, ठीक है ओके। नेक्स्ट एक और मैं आपको फाइंड करके बताता हूं, आपके पास लिखा हुआ है लोग, सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है 5.50, जब ये ऐसा वैल्यू लिखा होता डायरेक्ट लोग नहीं फाइंड कर सकते, तो आपको क्या करना है, डिजिट को इस तरीके से लिखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर आया आपके पास, तो मैं लिख सकता हूं 5.50 इंटू 10 to the power 2 लिख सकता हूं, ओके जी। तो लोग ए इंटू बी है, तो लोग ए इंटू बी क्या लिखते हैं अपन, लोग ए प्लस बी, लोग ए प्लस लोग बी, डन। अब देखिए 10 to the power 2 है, इसका तो आ जाएगा 2 log 10, 2 पावर आगे आ जाएगी, log 10 बचेगा, ठीक है। और यहां अगर हमको फाइंड करना है तो यहां हमारे पास वही है कि एंटायर डिजिट चेक करनी है आपको किसके बीच में आ रहा है, तो एंटायर डिजिट आपका किसके बीच में आ रहा है, 5 एंड 6 के बीच में, तो 5 का log वैल्यू 70, 6 का log वैल्यू 78 एंड डिफरेंस इज 0.8, तो लोग 5 का तो आपको पता है 0.70 है प्लस 0.50 का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.04, ओके तो ये आ गया 0.74 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 2.7। कुछ नहीं करना, पहले डिजिट को कन्वर्ट करना है कि इस तरीके से लिखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर आया आपके पास, ठीक है। डेसिमल से पहले कितना नंबर आया आपके पास, एक नंबर, डिजिट को इस तरीके से लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद चेक करना है कि ये जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है इसको जो डिफरेंस आए टोटल एंटायर डिजिट किसके बीच में, उनका लोग लेके डिफरेंस निकालना है आपको, और डिफरेंस निकाल के बेटा डेसिमल के बाद जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, इतना सा काम करना है। आप एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लोग 4.60, ठीक है, लोग 4.60। यहां पे देखो अब एंटायर डिजिट किसके बीच में, ये आपकी 4 और 5 के बीच में, लोग 4 का वैल्यू 0.60, लोग 5 का वैल्यू 0.70। बेटा डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा चेंज लेना, चेंज पॉजिटिव आएगा, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करनी है तो ये मत सोचना कि यहां पे नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, हायर में से लोअर माइनस करना है तो 0.10 आ जाएगा। अब 4 का वैल्यू आपको पता है 0.60 होता है प्लस
डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको इस डिफरेंस से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो 0060 पॉइंट क्या जाएगा, 0.06, देन व्हाट इज योर आंसर, 0.66. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करने वाले, ये लोग वैल्यू फाइंड किया हमने, अब हम लोग बात कर रहे हैं एंटीलोक, ठीक है. एंटीलोक कैसे फाइंड करना है आपको, देखिए एंटीलोक लोक का जस्ट ऑपोजिट वैल्यू है. एंटीलोक क्या है आपका, लोक का जस्ट ऑपोजिट वैल्यू है. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एंटीलोक, एक कोई भी डिजिट ली मैंने, 3.48 ली मैंने, ओके. इसका मतलब ये है बेटा, जो भी एंटीलोक जब भी आप फाइंड करते हो, जिस भी वैल्यू का फाइंड करते हो, उसका मतलब है वो आपका वैल्यू एंटीलोग है लोग का जस्ट ऑपोजिट. तो आप लिख सकते हो इसको एंटीलोग लोग 10^3.48, ठीक है. लोग का जस्ट ऑपोजिट वैल्यू, देखो जब आप लोग 10^3.48 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सुनो, लोग 10^0.38 है, पावर हमेशा क्या आ जाएगी बेटा आगे, तो क्या बचेगा 3.48, और यहाँ क्या रहेगा लोग 10 बेस, ये कितना हो जाएगा 1, क्या वैल्यू आ जाएगी वापस 3.48, यही वैल्यू आ जाएगी. यानी जो भी लोग का आपके पास टर्म लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है उसका एंटी लोग आपको निकालना है, तो वो लोग 10^10 में है वो वैल्यू. यानी आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है बेटा, ये एग्जैक्टली एंटी लोग लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 3.4. बाहर एंटी लोग है, अंदर लोग है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. क्या रहेगा आपके पास 10^3.48, बट 10^3.48 हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं बेटा. तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक कोई सिंपल मेथड हम लोगों के पास होना चाहिए कि हमारे पास ये वैल्यूज या ये कैलकुलेशन हम लोग इजी कर सके. तो देखिए सुनिए, मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं, ठीक है. अब देखिएगा कैसे सोल्व कर रहे हैं हम लोग. ओके, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग, यही एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, एंटी लोग 3.48. मैंने बोला बेटा 10^10 लिखना है, आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले जो भी सिंगल डिजिट है आपके पास या डबल डिजिट है, जो भी इंटीजर लिखा हुआ है उसको 10^10 में लिखिए, और सिर्फ आपको इसका एंटी लोग निकालना होता है, 0.48 का एंटीलोग निकालना है आपको. तो 0.48 का एंटीलोग कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है, 3 का तो हो गया बेटा काम, बचा कौन 0.48. तो 0.48 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये चेक करना है कि 0.48 कौन सी लोग वैल्यूज के बीच में आता है, या फिर मैं ये बोलूं 0.48 किसका लोग वैल्यू है, इसका लोग वैल्यू है. तो आप बताइए लोग 3 का वैल्यू क्या होता है, 0.48. तो बेटा जी सुनिएगा ध्यान से, लोग 3 का वैल्यू 0.48 है, तो 0.48 का एंटी लोग क्या होगा आपका, 0.48 का एंटी लोग क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट है. मैंने बोला ना लोग और एंटी लोग जस्ट ऑपोजिट है, यानी आपने बोला कि लोग 3 का लोग इतना है, तो 0.48 का एंटी लोग कितना है बेटा 3. तो आंसर क्या आ गया आपका, बट ये तो डायरेक्ट था, ये तो किसी लोग की वैल्यू थी. अगर डायरेक्ट नहीं हो तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल आपने बोला एंटी लोग लेना है हमको 2.72, ठीक है. मैंने बोला जो डेसिमल से पहले डिजिट है उसको कहां लिखे, 10^10. डन. अब क्या करना है, 0.72 चेक करना है, तो 0.72 आएगा लोग 5 एंड लोग 6 के बीच. लोग 5 का वैल्यू 0.70, लोग 6 का वैल्यू 0.7 है. तो क्या करना है बेटा, इन दोनों का एवरेज लीजिए,
एवरेज आएगा 0.74, इन दोनों का एवरेज लॉग 5.5, यानी लॉग 5.5 अगर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है 0.74, कितना वैल्यू है उसका 0.74। अब जीरो, लेकिन हमारे पास क्या वैल्यू है 0.72, तो 0.72 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का एवरेज लेके देखिए ये आएगा 0.72, तो फिर ये इन लोग की वैल्यू के बीच में होगा, इन दोनों का एवरेज लेके देखिए ये कितना आएगा आपके पास 5.5 प्लस 5 का एवरेज लेके देख लें तो 10.5 डिवाइड बाय तो 5.25, तो 5.25। तो बेटा हमको ये पता चल गया कि 5.25 का जो लॉग होता है ना वो कितना होता है 0.7, इसका लॉग वैल्यू कितना है इतना, ये लॉग है बेटा, तो इसका एंटी लॉग वैल्यू क्या होगा 5.25, एंटी लॉग वैल्यू क्या होगा 5.25। क्लियर है? ओके, देन आप नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, एंटी लॉग ऑफ 5.39। मैंने बोला डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो कहाँ जानी चाहिए आपकी सीधी पावर में, इस डिजिट को चेक कीजिए किसके बीच में आएगी, लॉग 2 एंड लॉग 3। What is the value of log 2? 0.30 and what is the value of log 3? 0.48. क्या लेना है? Average. इसका भी क्या लेना है? Average. 2.5 आया है यहाँ पे 2 और 3 का average. 0.30, 0.48 का average आया 0.39. तो exact value आ रही है. यानी log 2.5 का जो log है वो कितना है? 0.39. तो 0.39 का anti log कितना होगा बेटा? 2.5. तो answer क्या होगा? 2.5. आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। अब एक नेक्स्ट टाइप और आता है यहाँ पे, ये तो प्लस में था सब कुछ, ये तो आपके पास प्लस में था, बट अगर एंटी लॉग आपके पास आ जाए बार वाले टर्म में, एंटी लॉग आपके पास किस वाले टर्म में आ जाए, बार वाले टर्म में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2.64 और यहाँ पे बार है, बार का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, बार मींस दिस डिजिट इज नेगेटिव, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है बेटा माइनस का 2 है, ठीक है, और 0.64 किसका है बेटा जी, प्लस का। यहाँ अगर बार आता है तो बार जिस पे आता है ना बेटा सिर्फ वही वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू क्या होती है आपकी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं करना, 10^-2 कर देना है, ठीक है, 10^-2 कर देना आपको, बस वही सेम तरीका है। 0.64 देखिए किसके बीच में आएगा, 0.64 किसके बीच में आ रहा है, लॉग 4 और लॉग 5 के बीच में, इन दोनों के वैल्यूज के बीच में 0.60, 0.70 एवरेज लीजिए, 0.65 यहां एवरेज लीजिए, लॉग 4.5 का कितना है 0.65, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.64, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.64, तो हम लोग एक डिजिट कम कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 4.4। अब देखो हमें अगर 10^-2 और 4 तक भी ऑप्शन में पता चल जाता है ना तो हम आंसर करेक्ट कर सकते हैं, हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है, अगर हम लोगों को यहां तक भी पता चल जाता है तो हमारा आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। आप एक और वैल्यू सोल्व करके देखिए, मैं एक और वैल्यू करवाता हूं आपको, देखिए हम लोग एक और ट्राई करते हैं, एंटी लॉग 3^.54, ओके, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बार है 10^-3, 0.54 बिटवीन लॉग 3 एंड लॉग 4, व्हाट इज द वैल्यू लॉग 3, लॉग 3 एंड लॉग 4, लॉग 3 एंड लॉग 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 3, 0.48, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 4, 0.60, एवरेज क्या होगा,
लोग 3.5, यहाँ का एवरेज क्या होगा, यहाँ जब एवरेज फाइंड करेंगे आप लोग तो हमारा एवरेज क्या आने वाला है, 0.60 प्लस 0.48 डिवाइड बाय 2 30 और ये आ जाएगा 24, ठीक है, तो आ जाएगा 0.54। तो जीरो हमको ये पता चल गया लोग 3.5 जब आप लोगे तो उसका आंसर कितना आ रहा है 0.5। तो लोग 3.5 का लोग वैल्यू ये, तो इसका एंटी लोग वैल्यू कितना होगा बेटा 3.5 × 10⁻¹। ओके आई थिंक क्लियर होगा आपको। ओके नेक्स्ट है, अगर एंटायर वैल्यू नेगेटिव, फॉर एग्जांपल एंटी लॉग हो -5.7, आप एंटायर नेगेटिव वैल्यू का लोग कभी फाइंड नहीं कर सकते हो, तो आपको पहले बार वाले टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जब बार वाले टर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग इसको क्या लिखें, तो कुछ नहीं करना, मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूं। जो -5.70 लिखा हुआ है ना आपके पास, सॉरी वन मिनट, ओके -5.70 लिखा हुआ, इट मींस एंटायर वैल्यू इज नेगेटिव, -5 + -0.70, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वैल्यू में जो डेसिमल से पहले उसमें -1 ऐड कर देना है और जो डेसिमल के बाद है उसमें +1 ऐड कर देना है। मैंने क्यों किया देखो, ये -6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 0.30। अब बताइए 5.70 को अगर मैं 6 × 0.30 लिख दूं तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, -5.70। तो आपको क्या करना है, जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसमें तो -1 ऐड कर देना, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसमें +1 ऐड कर देना। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, एंटी लोगो 6 × 0.30, ठीक है, और एंटी लोगो 6.30 बार वाले का मैंने आपको सिखाया हुआ है, बार वाले का पहले लिखते हो जो भी नेगेटिव टर्म है तो -6 हो जाएगा, 0.30 किसका लॉग वैल्यू होता है, 0.30 किसका लॉग वैल्यू होता है, अब देखिए लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, तो अगर 2 का लॉग वैल्यू इतना है तो 0.30 का एंटी लॉग वैल्यू कितना होगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻¹। नेक्स्ट एंटी लॉग -5.4, एंटी लोगो -5.4, ये एक्स्ट्रा था आपके लिए, अगर आपको कभी क्लियर ना हो कि मैंने ये कैसे सोल्व किया है तो ये, तो देखिए मैंने बोला 5.42 मतलब -5, ओके यहां क्लियर करते हैं हम लोग, वन मिनट, ओके -5.42 मींस -5 + -0.42, मैंने बोला जो डेसिमल से पहले डिजिट है उसमें -1 ऐड कीजिए, डेसिमल के बाद वाली डिजिट है उसमें +1, तो ये हो गया -6 और ये हो गया +0.58। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 6 × 0.58, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एंटी लोगो 6 × 0.58, और इसका मैंने सोल्व करके बताया आपको 6 बार है तो 10⁻¹ और 0.58, तो 0.58 चेक कीजिए आप किसके बीच में आता है, 0.58 चेक कीजिए आप किसके बीच में आता है, लॉग 3 और लॉग 4 के बीच में आएगा, क्योंकि लॉग 3 का वैल्यू 48 होता है और लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.58।
सिक्स यू। जब आप इसका एवरेज लेंगे तो लोग 3.5 आएगा आपके पास और यहां वैल्यू कितना आएगा 0.54। यानी लोग 3.5 का वैल्यू कितना है 0.54, बट हमारा 0.58 है। तो हम यहां पे अगेन इसका एवरेज लेंगे और यहां पे भी इसका एवरेज लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5 का एवरेज 2375। ओके तो यहां आ जाएगा, सॉरी वन मिनट, ओके यहां वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.75। ओके और यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 0.60 प्लस 0.54 का एवरेज 0.30। यहां वैल्यू आ जाएगा आपका 0.57। यानी 3.75 का जो वैल्यू है आपके पास वो कितना आ रहा है 0.57। हमारा वैल्यू कितना है 58। यानी अप्रोक्सीमेट हम लोग बोल सकते हैं 3.75 से ज्यादा होगा 3.8 बोल सकते। तो ये आपका आंसर। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी, लॉग और एंटी लॉग आपको समझ आया होगा पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।